बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको अंडा पराठा बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी, इससे आपका टाइम भी बचेगा। ब्रेकफास्ट में बच्चों को बना के दें, आप जो है बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल के निशान को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो डालूँ सब आपको मिल जाए। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। आटा ले लिए, ये वाला जो है चम्मच यूज़ किया है, 4 टेबलस्पून आटा लिया है, साल्ट 2 टीस्पून, वाटर डाल लेते हैं, इसको डाल के मिक्स करें। पहले जो है कम वाटर डाल के इसको मिक्स करना है, इसके बीच में कोई भी गिल्टी ना रहे। ये मिक्स हो गया, इसके बीच में दोबारा जो है वाटर डालना है। बहुत ज़्यादा भी इसको पतला नहीं करना और ना ही इसको सख्त रखना है, बस इतना रखना है इसको। 1/2 टीस्पून कुकिंग ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है इसके बीच में। इनको मिक्स करके 5 मिनट इनको रख लेते हैं, फिर बाद में बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। फ़ौरन सारी इंग्रेडिएंट डाल देंगे तो ये अच्छा नहीं बनेगा। ये 4 एग ले लिए, इनको अलग जो है इनको मिक्स करना है, इनके बीच में डाल के मिक्स नहीं करना, ये अच्छे जो है मिक्स भी नहीं होते। अब इसको इनके बीच में डाल लेते हैं। क्रश रेड पेपर, अगर आपने रेड चिली पाउडर डालना है तो आप डाल लें। इन चीज़ों को बारीक काट लिया है, हरा धनिया काट लिया, टमाटर काट लिए हैं, ऑनियन काट लिया, ग्रीन ऑनियन, हरी मिर्चें। किड्स के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चें मत यूज़ करें। अगर आपने टमाटर और ऑनियन, ग्रीन ऑनियन यूज़ नहीं करना तो सिर्फ हरा धनिया डाल लें। इनको डाल के इसमें मिक्स कर लेते हैं, इनको डाल के 2 मिनट्स इनको मिक्स कर लेते हैं। अब इनको बना लेते हैं। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हीट जो है ऑन कर ली है, लो हीट रखनी है। डालने से पहले इनको मिक्स करें। आपने अगर ज़्यादा लेना है तो आप जो है इससे बड़ा जो है ले सकते हैं, उसमें डाल के कर लें। और जितना भी आप इसको पतला कर सकते हैं आप इसको पतला करें। जब इनकी नीचे वाली साइड जो है कुक हो जाए तो इनकी साइड चेंज कर लेनी है। थोड़ा सा ऑयल जो है दोबारा डालना है। इनको ऐसे करना है, इनकी साइड चेंज कर लेते हैं और दूसरी साइड को भी इतना ही पका लेते हैं कि इनके ऊपर जो ऐसा कलर आ जाए। ये रेडी हो गया, इसको निकाल लेते हैं। 4 मिनट में ये रेडी हुआ है। आपके पास तवा नहीं है तो आप इसको फ्राई पैन पे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, डालने से पहले इसको मिक्स करना है।
अब नीचे वाली साइड को दोबारा पकाना है, इसी तरीके से गोल्डन कलर जो है इनके ऊपर आना चाहिए। इसको मैंने लो हीट पे बनाया है, अगर आप हीट मीडियम रखेंगे तो ये 2 मिनट में भी रेडी हो जाएगा। आप बना रहे हैं तो आप जो है इसको ऐसे साइड पे करके फिर इनको डालें, अगर हीट पे होगा तो ये फौरन पक जाएगा और ये सख्त बनेगा और अंदर से कच्चा भी रह जाएगा। इनको बनाते वक्त इनके बीच में मिल्क का इस्तेमाल नहीं करना, मिल्क का इस्तेमाल करने से जो है अंडे पराठे का जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, पैनकेक का जो है वो टेस्ट आएगा। अगर आप जो है थोड़ा सा मोटा बनाना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा मोटा भी बना सकते हैं। इतने से मटेरियल के जो हैं ये 8 बन गए। आप अपने एग और आटा अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर लें, अगर आपने आटा डाल के नहीं बनाना तो आप मैदा डाल के बना लें और मैदा और आटे को मिक्स करके भी बना सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, अगर आपने जो है पतला बनाना है तो पतला बना लें, अगर आपने मोटा बनाना है तो आप मोटा भी बना सकते हैं। ये देखें, बहुत ज़्यादा जो है ये सॉफ्ट बने। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।